साल 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस विधायकों की जमीनी हकीकत की पड़ताल करना चाहते हैं। इसके लिए वे खुद ही फील्ड पर उतर रहे हैं। उन्हें कई बार शिकायत मिल चुकी है कि कई विधायकों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ उपचुनाव के बाद सभी 90 विधानसभा के दौरे पर निकलेंगे। उन्होंने शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रशासन ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सीएम भूपेश सभी विधानसभा में जाकर सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे और लोगों से रूबरू होकर योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। बता दें कि पहले सीएम बजट सत्र के खत्म होने के बाद ही सभी विधानसभाओं का दौरा करने वाले थे, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव के कारण कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया। हम रुक करेंगे इस खबर पर स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। आदित्य जी, जाहिर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कोशिश तो यही है कि सभी विधायकों की परफॉर्मेंस के साथ साथ जमीनी हकीकत क्या है, उस विधानसभा क्षेत्र में उस विधायक को लेकर क्या जनता सोच रही है, कितना काम हुआ है, ये जो 90 विधानसभाओं का दौरा करेंगे सीएम, क्या मायने निकालें इसके? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे ही 12 तारीख को खैरागढ़ का उपचुनाव खत्म होगा, मुख्यमंत्री एक्शन मोड पर आएंगे और जरूरी है भी, क्योंकि 90 विधानसभा आपको देखनी है। और पहली बार अगर मैं बात करूं 2018 में जिस तरह से सरकार बनी, अंतर था उस समय 15 भी, 3 उपचुनाव होने के बाद जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर 14 केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, 70 विधायक, जो कि 2018 में 67 विधायक थे कांग्रेस के पास, अब 70 विधायक हो चुके हैं। तो ये 70 विधायकों को अगर आपको वापस मेंटेन करना है तो निश्चित तौर पर हर विधानसभा और आपको जाना पड़ेगा, वहां के लोगों से बात करना पड़ेगा, वहां पे जमीनी हकीकत समझनी पड़ेगी कि जो सरकार की योजना है पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, विधायक आपका बेटर परफॉर्मेंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जनता उससे खुश है कि नहीं, किन मुद्दों को लेकर जनता में संतोष है, ये तमाम मुद्दों पर सिरे से जाकर टटोलेंगे और हर जिले का और हर विधानसभा का, पूरी 90 विधानसभा का दौरा करेंगे, रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे। तो डिटेल एक प्लान है जो 12 तारीख के बाद, चूंकि उपचुनाव है 12 तारीख को, उसके बाद एग्जीक्यूशन में आएगा। ये निश्चित तौर पर बड़ी खबर है हर लिहाज से, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री खुद जाएंगे जमीनी हकीकत देखेंगे तो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा विधायकों के लिए भी और सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भी। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आदित्य जी। मुख्यमंत्री की कोशिश यही है, मुख्यमंत्री जब इन 90 विधानसभाओं का दौरा करने के लिए निकलेंगे वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतर कर देखेंगे जनता क्या सोच रही है, किस विधायक का कैसा काम है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। 2018 में जिस तरह कांग्रेस सत्ता में आई है, छत्तीसगढ़ की सत्ता में, उसके बाद सरकार फिर से बनानी है 2023 के चुनाव में, और उसके लिए लगातार कांग्रेस नेता दावा भी करते हैं और वो कहते भी हैं कि जनता का विश्वास हमने जीता है।